Australia, what a team! Australia proved again. You keeps the ranking and we keeps the trophies. Not just trophy, trophies. Pakistani cricket team के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा. अभी तक उन्होंने एक स्टार अपने सीने पर लगाया है. मुझे लगता है उसके बाद कब्ज इतनी बुरी हो गई इन लोगों को, वो टूटने का नाम भी नहीं ले रही. इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया सर. इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया. इंडिया. या मैं फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ. मेरी मदर साइड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जी सर. ऑस्ट्रेलिया भी जीत रहे थे. घर के शेर इंडिया. मैं भी यहाँ खजल ख्वार हो रहा हूँ पिछले 50 दिनों से. कल है फाइनल ऑस्ट्रेलिया बा मुकाबला इंडिया. इंडिया रजी भाई. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. इंडिया. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हार्दिक पांड्या का स्टेटमेंट तो आप लोगों को सबको याद होगा जो उसने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में बोला था. आज वही स्टेटमेंट लगता है हार्दिक पांड्या के मुंह पर लगा आके जो बैटिंग परफॉर्मेंस दी इंडियन टीम की तरफ से. केएल राहुल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप लगी, एक ही कंडीशन में खेल रहे थे. अगर हम कंपेयर करें लबुशेन की और ट्रेविस हेड की, एक बंदा फुल अटैक कर रहा है, एक फुल रोक रहा है. एक तरफ से मार रहे हैं, एक तरफ से रोक रहे हैं. इंडिया की तरफ से कौन ऐसे कर रहा था? ना केएल राहुल कर रहा था, ना विराट कोहली कर रहा था. इसमें मैं विराट कोहली को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 97 गेंदों के बाद सिर्फ एक बाउंड्री आई, यानी ऑलमोस्ट 17-18 ओवर के बाद एक बाउंड्री आना, वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में. तो फिर आप कहां पर जीत की उम्मीद रखोगे? सेकंड रीजन इन माय ओपिनियन, बैट कमिंग्स ने पिच को अच्छे से रीड किया बनिस्बत रोहित शर्मा के. रोहित शर्मा चाहते थे कि मैं पहले बैटिंग करूं, लेकिन वैसी बैटिंग हुई नहीं टीम इंडिया से. और बैट कमिंग्स चाहते थे मैं पहले बॉलिंग करूं, और उन्होंने क्या खूब बॉलिंग की है. हर बंदे के खिलाफ उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी. इंडिया के सब बैट्समैन को वो रीड करके आए थे. क्या इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ? इंडिया वाले तो ये प्लान करके आए थे हम वार्नर को रोक लें, स्मिथ को रोक लें, लेकिन उनके पास क्या ट्रेविस को आउट करने का कोई चांस था? थर्ड रीजन, इंडिया के पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है. वर्ल्ड कप का फाइनल है, मे बी ये पीछे से जितने मर्जी मैच जीत के आ रहे हों, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत ही जरूरी था. आपने विराट गुप्ता का बयान सुना होगा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले. एक दिन विराट गुप्ता का कहना था जो टीम पहले 15 ओवर अच्छा खेल गई वो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगी. लेकिन ये गलत बयान था उसका, गलत एनालिसिस था. लेकिन वहीं पर राशिद खान ने ये बात कही कि अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो मिड ओवर को जीतना पड़ेगा, ना कि स्टार्टिंग के 10 ओवर जीतने पड़ेंगे. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इंडियन का क्या एनालिसिस था अपनी टीम के बारे में, और पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर का क्या एनालिसिस था अपने टीवी चैनल पर बैठकर, वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर इंडिया के बारे में. बहुत बड़ा प्लेयर है राशिद खान, गुड एनालिसिस. हमेशा मैं उसके एनालिसिस से इंप्रेस हुआ हूं. उसने कमाल के एनालिसिस किए हैं हर मैच से पहले. फिफ्थ बड़ा रीजन, बैड कमिंग्स का कहना था कि मैं पिच नहीं बदलने दूंगा कुछ भी हो जाए. उसने मुंह से तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपने मोबाइल में अलग अलग एंगल से 11 पिक्चर क्लिक्स की पिच की. इंडिया अनबीटन इन लीग स्टेज, बट ऑस्ट्रेलिया अनबीटन इन नॉकआउट स्टेज. ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप ओडीआई के जीत चुकी है, यानी इसका मतलब हाफ दर्जन सीने पे स्टार लगवा लिए ऑस्ट्रेलिया ने. जहां पर दूसरी टीम के पास सिर्फ एक या दो स्टार ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास 6-6 स्टार हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में. सब लोग कह रहे थे आज के मैच में बॉलिंग पिच है. क्या आप लोगों को जरा भी लगा ट्रेविस हेड की बैटिंग देखकर इतना प्रेशर इंडियन टीम पे डाल दिया उसने कि रोहित शर्मा स्लिप लेना ही भूल गए? स्लिप लेते भी कैसे, इतना अंटेंट दिखा रहे थे बैटिंग में अपने ट्रेविस हेड. आई थिंक गिल डोंट डिजर्व प्रिंस टाइटल, उसे ये टाइटल छीन लेना चाहिए. कौन ऐसा बंदा है जो अभी से, उसको यंग प्लेयर है, अभी से उसको आसमान पर उठा लिया आप लोगों ने? क्या वो डिजर्व करता था? क्या आपको जरा भी लगा ये वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंस देखकर प्रिंस की? मुझे तो लगता है वो टाइटल से सच में ही प्रिंस बन गया है, शहजादे की तरह एक्ट कर रहा है, कोई काम ही नहीं करना. इंडिया वालों, क्या आप याद करोगे विराट कोहली के 750 रन वर्ल्ड कप के अंदर? आप याद करोगे हमेशा ट्रेविस हेड की ये इनिंग? मैथ्यू हेडन सेंड द मैसेज टू ऑस्ट्रेलिया टीम, Not big score, no problem for run rate. Just stay there and win the World Cup. And again bring the World Cup for your country. Again Sami bowler to Travis Head. Again hits 4. And again crowd silence. Ravi Shastri pitch report दे रहे थे Star Sport पर. Ravi Shastri का कहना था 270 रन इस पिच पर बहुत होंगे. और हरभजन सिंह का यह कहना था कि इंडिया टॉस जीतकर इस पर पहले बैटिंग ही करें. जो रवि शास्त्री ने कहा 270 रन ये बहुत होंगे टीम इंडिया के लिए. इंडिया एक ही लाइन पकड़कर चल रही है, एक ही ट्रेन पकड़कर चल रही है. क्या ऑस्ट्रेलिया वाले इस चीज को नोट नहीं करें?
क्या इंडियन टीम को ये नहीं सोचना चाहिए था कि हमें मिड ओवर को थोड़ा सा देखकर खेलना चाहिए, मिड ओवर में भी हमें रन्स बनाने पड़ेंगे। उन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को प्रॉपर पता था कि ये स्टार्टिंग के हमने इन लोगों को मार खा भी ली, लेकिन मिड ओवर की इनके पास कोई भी प्लान नहीं है इंडियन टीम के पास, वही देखने को हमको मिला। मिड ओवर की गेम हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीता रहा है और जीता है।